बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके फ़ायदे और आपके बेहतर ज़िंदगी के लिए रोज़ाना खास नई नई जानकारी लेकर इस चैनल पर आती हूँ, जिससे आप घरेलू तरीके से हर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और बिना दवाई के तंदुरुस्त रह सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो टाइटल के नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक कीजिए। नाजिन, आज हम आपको बताएँगे जिन खवातीन की जिल्द चिकनी होती है इनके मसामात खुलने का मसला होता है। इस तरह गर्द व गुबार मसामों में चली जाती है, जिनसे चिकनी जिल्द वाली खवातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्किन की हामिल खवातीन सफाई का खास ख्याल रखें। दिन में 2-3 बार अच्छे से साबुन से मुंह धोएं, ये नुस्खा इस्तेमाल करें। नुस्खा सस्ता और आसान है, इसे आप घर पर बैठे इस्तेमाल कर सकती हैं। नुस्खा नोट कर लें। अज्जा: गंदम का आटा 4 चम्मच, अंडे की जर्दी 1 अदद, अरके गुलाब 1 चम्मच, दूध 1 चम्मच। इन तमाम अशिया का मरकब बनाकर तैयार कर लें और चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरा धो लें, मसाम बंद हो जाएंगे और रंगत निखर जाएगी। इसके अलावा बर्फ़ फूट कर कपड़े में रख कर चेहरे पर इसकी टकोर करें, इससे इंशा ताला आपको फ़र्क जल्द महसूस होगा। नाजिन, अगर आपको जल्द ही फ़ायदा हासिल करने हैं तो मेरे टिप्स पर अमल ज़रूर कीजिएगा, इन शाला ताला फ़र्क महसूस होगा। तो नाजिन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।